अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हमारे एक खास दोस्त बैठे हैं जिनका नाम है शैनिल, और शैनिल भाई से हम आपकी बात करवाते हैं। लेकिन इससे पहले हम एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं कि इन्होंने यूएस का वीजा अप्लाई किया, और काफी लोगों का कहना यह होता है कि आप कंप्लीट फैमिली के साथ यूएस वीजा अप्लाई ना करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फैमिली के चार ही मेंबर थे और चारों मेंबर्स का इन्होंने अप्लाई किया और फर्स्ट टाइम में इन्होंने अप्लाई किया। और जैसे कि हम आपको बताते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री जरूरी नहीं होती, आप यूएस का वीजा ले सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ आप जहां से सर्विसेज ले रहे हैं उनको कितनी नॉलेज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका वीजा ग्रैंड हो गया है, और बाकी आपको एक दो क्वेश्चन बताएंगे जो इनसे सवालात किए गए थे, और इनको हमारी सर्विस कैसे अच्छी लगी शैनिल भाई बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कैसे? मेरा नाम शैनिल है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरा यूएस का वीजा अप्रूव हो गया है, और जिसमें जो है ना मुझे बड़ी सपोर्ट की है एयर सर्किल वालों ने, स्पेशली साजिद साहब ने, कि जो है किस तरीके से फॉर्म फिल किया जाता है, कैसे होता है। मेरी इतनी ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं थी, उसके बावजूद भी जो है ना यूएस वालों ने जो है मुझे वीजा अप्रूव करके दे दिया। और मैं खुद जो है अपने दोस्तों यारों को, अपने जाने वालों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी यूएस वीजा अप्लाई करें तो उसमें एयर सर्किल वालों से जरूर हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को शैनिल भाई ने बताया, तो मैं तो आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं यूएसए में, इस वक्त बहुत अच्छा रेशो है और लोगों का वीज़ा बहुत ज़्यादा ग्रैंड हो रहा है। और इसके अलावा भी हमारे काफ़ी क्लाइंट का वीज़ा ग्रैंड हो रहा है। असल में पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि हम किसी को बोलते हैं यार छोटा सा फीडबैक दे दो हमें इंटरव्यू को, उसमें वीडियो में ना, तो लोग फीडबैक देने को रेडी नहीं। लोग ये बोलते हैं जब हम जाएंगे उसके बाद वहाँ से वीडियो बना के भेज देंगे। तो हम भी किसी को ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते हैं। कुछ ख़ास दोस्त होते हैं, जैसे कि पीछे भी हमारे एक दोस्त थे, तो उनसे हम लोगों ने थोड़ा सा फीडबैक ले लिया था। और जैसे कि शैनिल भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इनसे भी हमने रिक्वेस्ट की तो इन्होंने फीडबैक दे दिया। तो मेरे ख्याल से तो वीज़ा लगने से पहले हमें सब यही बोलते हैं कि सर कोई मसला नहीं है, हम आपको जो है फीडबैक वगैरह दे देंगे। तो उसके बाद जैसे वीज़ा ग्रैंड होता है तो कुछ लोग तो वैसे पासपोर्ट रिसीव करते हैं और हमें मिलते ही नहीं है। तो भाई किसी को अगर आप हमें छोटा सा फीडबैक देते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें ऐसे लोग भी होंगे जिनका हमारे पास से वीज़ा ग्रैंड हुआ होगा और वो भी शायद ये वीडियो देखें, तो वो भी जब चाहे आके हमें एक फीडबैक छोटा सा दे सकते हैं। और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आप हमें एक वीडियो बना के दे रहे हो और हम अपने चैनल पर डाल रहे हैं और उससे आपके वीज़े के लिए कोई प्रॉब्लम होती है या आपके लिए कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये तो एक अच्छा है कि हम जो काम कर रहे हैं हमारी सर्विसेज से अगर आप मुतमईन हैं तो हमारी भी हौसला अफजाई हो जाती है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं हम उनको ये सर्विसेज भी देंगे, और हमारे पास एक्सपर्ट टीम है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि एक्सपर्ट टीम हमने रखी हुई है। एक फॉर्म भरना, वीज़ा प्रोसेस करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर काम करना ये बहुत बड़ी बात है। काफ़ी लोग हमारे पास आए हैं बीच में, कनाडा के काफ़ी क्लाइंट आए हैं जिनके रिफ्यूज़ हुए, उनके बाद उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की हमने दोबारा। उनको काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे स्कैन करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, काफ़ी चीज़ें नहीं पता होती लोगों को। अच्छा, हमें भी कुछ चीज़ें ऐसी पता नहीं होती है, ये ज़ाहिर बात है जिनका काम है वही समझते हैं इन चीज़ों को। तो आपके चंद हज़ार रुपये से आप लोगों का वीज़ा ग्रैंड हो जाता है। ये अच्छी कंट्रीज़ हैं जिनके मार्केट में आप पूछें तो लोग लाखों रुपए वीज़े के मांग रहे होते हैं, और लाखों रुपए आप लोगों को देने भी नहीं चाहिए। ये आपकी छोटी मोटी अमाउंट से आपके ये वीज़े आसानी से इजीली लग जाते हैं। तो किसी को 25 लाख वो डन बेस वाले 50 लाख, उससे बेहतर है कि आप अपने ऊपर खुद रिस्क लें। और 99% इस वक्त रेशो बहुत अच्छा है, लोगों को वीज़े मिल रहे हैं, चाहे वो यूएसए के लिए अप्लाई करें या किसी और वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के लिए आप अप्लाई करें। आप हमसे कॉन्टैक्ट करें और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम आपको प्रॉपर सर्विस दे सकें। तो ये एक छोटा सा फीडबैक था, उसके साथ मैंने बोला आपको एक कंप्लीट वीडियो बना के दे दूं, तो शायद ये लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन ये है कि हो सके आप ये वीडियो शेयर करें और किसी और को अप्लाई करना हो तो उनको उनके लिए आसानी हो जाएगी। और जैसे कि इन्होंने बताया भी आपको कि इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है और कोई ऐसा वो भी नहीं है कि मतलब ये कि 10-15 कंट्रीज़ घूम कर आए हैं और कोई एक्स्ट्रा चीज़ है और उस वजह से वीज़ा ग्रैंड हुआ है। नॉर्मली वीज़ा बहुत अच्छा दे रहे हैं लोग, वहाँ जो लोग जा रहे हैं 99% लोगों को वीज़ा ग्रैंड हो रहा है। तो ये अच्छा वक्त है, आप अप्लाई करें। इसी के साथ ही जाना चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।